चिराग पासवान हमारे साथ में। चिराग जी, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की बात मांग की जा रही है, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री का वो सबसे उपयुक्त चेहरा है। भाई, मेरे मुख्यमंत्री सपने देखने में किसी से कमजोर नहीं है और उनकी ख्वाहिशें, उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा हावी हैं कि वो किसी स्तर तक जा सकते हैं। सोचिए, जिस गठबंधन का अभी मूल स्वरूप तक तैयार नहीं हुआ, उस गठबंधन का कैसे ये नेतृत्व करें और देश के कैसे प्रधानमंत्री बन गए, इनएस हेड ये बन भी गए हैं। ये दिल्ली की बैठक में आते हैं, पहले तो दबाव की राजनीति की परिकाष्ठा है ये। आप बैठक में आने से आनाकानी करते, अपने प्रतिनिधि को एक बैठक में भेजते हैं और उसके बाद जब आप बैठक में आते हैं तो पटना में पोस्टर लगवा के आते हैं कि देश को नीतीश चाहिए। भाई, प्रदेश को भी नीतीश जी नहीं चाहिए, आपके प्रदेश के लोग आपको नकार चुके हैं। मेरे मुख्यमंत्री चुनाव लड़ जाए तो ये खुद अपनी सीट बिहार से नहीं जीत पाएंगे, इनकी पार्टी अगर अकेले चुनाव लड़ जाए तो खाता तक नहीं खोल पाएगी, इनको विपक्ष का चेहरा बनना है। हकीकत है, जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया उनको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करने वाली। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो जब दिल्ली आते हैं तो खुद पोस्टर होर्डिंग लगवा के आते हैं क्या? भाई, और कौन लगाएगा? इनके अपने अलावा और इनके दो चार लोगों के अलावा कौन है जो ये कार्य कर सकता है? बिहार में कोई बिहारी, इंक्लूडिंग मैं इनकी पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, वो तक नहीं चाहते और वो तक ये जानते हैं कि भैया इनमें वो क्षमता ही नहीं है। मेरे मुख्यमंत्री, हकीकत है भाई, थक चुके हैं, अब इनको आराम की जरूरत है। जा रहा है कि सबसे उपयुक्त चेहरा, क्योंकि एनडीए में और कोई है ही नहीं, सबसे बड़ा यही चेहरा है जो जेडीयू के नेता ही कह रहे हैं। भाई, सबसे बड़ा चेहरा ये है तो एक दर्जन जब इनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार दिखाई देते हैं, क्यों नहीं मिलकर एक चेहरा वो लोग बना लेते हैं एनडीए में? ऑन द अदर हैंड, कम से कम ये बातें तो तय हैं, हमारे पास हमारा नेता तय है, हमारे पास हमारा चेहरा तय है, हमारे पास हमारी नीतियां तय है और दो दो बार बहुत एमिकेबली हम लोगों ने सीट शेयरिंग करके दिखा दी। भाई, कैसे कीजिएगा आप लोग सीट शेयरिंग? बंगाल में बताइए कैसे लेफ्ट पार्टीज को एक साथ रखिएगा, ममता जी को एक साथ रखिएगा और कांग्रेस को एक साथ रखिएगा, कैसे सीट शेयरिंग होगी वहां पे? यही हाल महाराष्ट्र में होने वाला है, यही हाल इनका उत्तर प्रदेश में होने वाला है। तो हकीकत है कि ये लोग सिर्फ एक दिखावा करने का प्रयास कर रहे हैं, चुनाव आते आते तक सब अपनी अलग अलग राह पकड़ेंगे, सब अपनी अलग अलग राह पकड़ेंगे। और नीतीश कुमार की बात की जाए तो वो जब प्रदेश नहीं संभाल सकते तो वो देश का संभालेंगे, सवाल उठा रहे हैं चिराग पासवान। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।